हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, टाटा कंपनी ने जब नैनो कार लॉन्च की थी तो उनका मोटिव था, जो उनका मकसद था, यही था कि जो हर एक पैसेंजर हैं, जो जिनका बजट कम होता है, मतलब जो बाइक अफोर्ड कर पाते हैं और वो सेफ़ नहीं फील करते, क्योंकि बाइक वगैरह में इतना सेफ़ नहीं होता, आप सभी को पता है। उसमें मतलब बाइक में तो ऐसा भी होता है, चलता मतलब चल रही है बाइक, मतलब रनिंग में यार उसको पंचर वगैरह या कुछ इशू हो जाता है टायर में, तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं उसके गिरने वगैरह के। तो भाई जस इसी मोटिव के साथ टाटा कंपनी ने नैनो कार लॉन्च की थी, अगर भाई कम बजट वाले भी कार अफोर्ड कर सके। लेकिन बीच में इसका बहुत बायकॉट हुआ था, इसका बहुत विरोध हुआ था कि क्या है, 1.5 लाख में कुछ नहीं आता, मतलब ऐसी सी ये अदर कंपनी थी या फिर लोगों की सोच थी जो कि गलत थी। क्योंकि एक फोर व्हीलर ना, मतलब आपका हर एक वेदर में साथ देगा, बारिश हो रही है, ठंड है, गर्मी है, उसके अंदर एसी हीटर, मतलब सब होता है। तो एक फोर व्हीलर की जगह मतलब टू व्हीलर कभी नहीं ले सकता सेफ्टी के मामले में, चाहे वो बाइक कितनी ज़्यादा कीमती क्यों ना हो। और रही बात पावर की, तो भाई आप सभी ने पता ही होगा, मतलब उसकी जो बिल्ड क्वालिटी भी थी वो, तो क्योंकि टाटा कंपनी है, खुद का उनका स्टील और लोहा होता, तो वो बिल्ड क्वालिटी तो उसकी अच्छी होती है, उसके अंदर पावर भी ठीक थी। एक वीडियो भी देखी थी मैंने, उसमें ना महिंद्रा थार है, वो ऑफ रोडिंग कर रही थी, तो उसके साथ टाटा नैनो ने भी ऑफ रोडिंग की थी, मतलब छोटी सी क्लिप है, मैं ऐड कर देता हूँ, आप देखना। तो ये बहुत अच्छी सोच थी टाटा कंपनी की, उन्होंने कम बजट में इतनी अच्छी कार लॉन्च की थी। वही है, पर हमारे देश में अपनी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो उसको आगे उभरने नहीं दिया, उसको वहीं पे दाब दिया गया, जो कि सही नहीं था।